हेलो, वेलकम टू क्रेडिट पावर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के बैंकों को डिस्कस किया था। आज की क्लास में एक स्पेसिफिक टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपके एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। दरअसल ये टॉपिक काफी लेंथी है, इसको मैं तीन पार्ट में ब्रेक करके आपको पढ़ाऊंगा, तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे पेमेंट बैंकों की हमें क्यों जरूरत थी, हमने पेमेंट बैंक क्यों बनाए और कैसे बनाए। देखिए, एक चीज को समझिए, ऑलरेडी इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के बैंक थे, तो हमें एक नए तरह के बैंकों की क्यों जरूरत पड़ी, आज की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। और इनको कैसे फॉर्म किया गया, ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा आज की क्लास का, नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई के द्वारा पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस इश्यू की गई है, पेमेंट बैंक्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन से पेमेंट बैंक अभी वर्किंग में हैं, ऑपरेशन में हैं, और किन किन पेमेंट बैंकों ने अपने लाइसेंस से वापस सरेंडर कर दिए आरबीआई को, और जो बैंक अभी ऑपरेशन में हैं उनके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, और उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उससे भी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कौन सी गाइडलाइंस इशू की गई हैं और कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया गया था, किस तरीके से उनको फॉर्म किया गया था, उनके एमडीसीओ टैगलाइन क्या है, और कुछ नए जो बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। और ये वीडियो थोड़ी लेट आई है और उसका रीजन ये रहता है, वीडियो के लेट आने का रीजन ये रहा है कि आप सभी का थोड़ा सा प्यार नहीं मिलता है हमें, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, आप पे अपनी क्यूरीज को कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आप सारी की सारी 50 प्लस जो क्लासेस जल्दी से जल्दी चाहते हैं, तो सभी वीडियोस को जो भी आप वॉच करते हैं इस YouTube चैनल पर, तो सभी को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप थे। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि कौन कौन से टाइप्स के बैंक का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है और किस तरीके से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये है भाई यहां पर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 2015-16 में बनाया गया था, 15-16 में इनको लाइसेंस दिया गया था, बनाने का काम तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो देखिए, ऑलरेडी इंडिया के अंदर कई तरह के बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और काफी डेवलपमेंट बैंक्स भी थे, ठीक है। ऑलरेडी आरआरबी, लोकल एरिया बैंक्स थे, कोऑपरेटिव बैंक्स थे, तो एक नए तरह के बैंकों की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें, हमने 2015 के अंदर एक नए तरह की जो वर्टिकल है बैंकों का, नए तरह के बैंक क्यों बनाए। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये ही क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखना कि मैंने जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है किस चीज के नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि किस हेडिंग के नीचे लिखे हुए, मैंने लिखे हुए हैं डिफरेंशियल बैंक। किसके नीचे लिखे हुए मैंने? डिफरेंशियल बैंक। तो डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं? देखिए, मैंने शेड्यूल्ड बैंक को दो कैटेगरीज के अंदर बांटा था, एक था कमर्शियल बैंक और दूसरा क्या था? डिफरेंशियल बैंक। एक डेवलपमेंट बैंक भी होते हैं। तो डिफरेंशियल बैंक का मतलब क्या था? वो बैंक जिनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। किन से डिफरेंट है? कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंकों से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है तो उनको डिफरेंशियल कैटेगरी बना दिया गया, और डिफरेंशियल कैटेगरी के अंदर, डिफरेंशियल बैंक कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आरआरबी को फॉर्म किया गया, लोकल एरिया बैंक को फॉर्म किया गया, और 2015 में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया गया। तो जब आप ये जानना चाहते हैं कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों बनाया गया, तो इसका आंसर सीधा नहीं मिलेगा आपको। इसका आंसर क्या होगा कि डिफरेंशियल बैंक को क्यों बनाया गया, तो नीड ऑफ डिफरेंशियल बैंक आपको जानना जरूरी है। जो
नीड डिफरेंशियल बैंकों की, यानी कि आरआरबी बैंकों को जिस रीजन से बनाया गया और लोकल एरिया बैंकों को जिस रीजन से बनाया गया, उसी कारण पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाया गया था। तो आपको यहां पर समझना क्या है, नीड ऑफ डिफरेंशियल बैंक, भाई डिफरेंशियल बैंकों को क्यों बनाया गया। आपसे कोई पूछे या इंटरव्यू पूछे या एग्जाम पूछे कि आरआरबी बैंक को क्यों फॉर्म किया गया, लोकल एरिया बैंक को क्यों फॉर्म किया गया, पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों फॉर्म किया गया, तो सभी का एक ही आंसर होगा, नीड ऑफ डिफरेंशियल बैंक। यानी कि अगर आपको डिफरेंशियल बैंक की नीड का पता है कि डिफरेंशियल बैंक की डिफरेंशियल कैटेगरी बनाई ही क्यों गई, तो वही इन सभी का आंसर होगा। सभी को एक साथ पूछ ले या किसी एक को इंडिविजुअली पूछ ले तो सभी का आंसर क्या रहने वाला है, सिंगल ही रहने वाला है। अगर मैं शॉर्टकट में आपको आंसर दूं, बिल्कुल वन वर्ड आंसर दूं आपको, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे ही मैं अगर आपको एक शब्द में आंसर दूं कि पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों बनाया गया या डिफरेंशियल बैंक को क्यों बनाया गया, तो उसका सीधा सा आंसर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेश, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, अब ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नीड ऑफ डिफरेंशियल बैंक या नीड ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कह सकते हैं, या नीड ऑफ आरआरबी बैंक भी, रीजनल रूरल बैंक भी कह सकते हैं, या नीड ऑफ लोकल एरिया बैंक भी कह सकते हैं, या सभी को मिलाकर एक साथ कह सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आएगी ही आएगी, इंटरव्यू में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। वो डिफरेंट टाइप क्या हो सकते हैं पूछने के, वो मैं आगे डिस्कस करता रहूंगा। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेश। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझिए कि देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेवाएं, बैंकों से जोड़ना और उनको बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड कराना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। दोबारा से सुनिए, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना और उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या देश के सभी लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं, अभी भी नहीं जुड़े हुए, 2020 में बैठे हैं हम और फिर भी बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है। अगर कुछ लोगों का बैंक अकाउंट है तो वो इनएक्टिव पड़े हैं, बहुत सारे लोग तो अकाउंट को यूज ही नहीं करते हैं। जनधन योजना के अंदर देख लीजिए कितने अकाउंट ओपन किए गए थे, अधिकतर इनएक्टिव पड़े हैं, फ्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या समझा आपने, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। फिर आपके दिमाग में यहां पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भाई, क्योंकि ये इंटरव्यू का भी टॉपिक है, ठीक है, तो आपको सुनना पड़ेगा। तो क्या देश का हर एक नागरिक बैंकों से नहीं जुड़ा हुआ है, भाई नहीं जुड़ा हुआ, इसका आंसर ये है। तो हम हर एक देश के हर एक नागरिक को बैंकों से जोड़ना क्यों चाह रहे हैं, बैंकों से जोड़ना क्यों चाह रहे हैं, तो उसका एक सीधा सा रीजन ये है कि अगर सारा का सारा देश बैंकों से जुड़ा हुआ होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सभी की ग्रोथ होगी, बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे, उनको डिटेल में अभी हम नीचे 2-3 पॉइंटों की मदद से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगी उस चीज की, ठीक है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, क्या जो ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स हैं उनकी मदद से हम देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंचा सकते या प्रोवाइड करा सकते। कोशिश तो हमने बहुत की है, जो ऑलरेडी हमारे पास इतने तरह के बैंकों का जो सेटअप है इनकी मदद से हमने कोशिश तो की है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, वहां पर ये जो बड़े बड़े बैंक हैं वहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इनकी एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो काफी हो जाती है, और वहां पर अगर ये किसी रूरल एरिया के अंदर, बहुत आप कहोगे रूरल एरिया में तो होती है, लेकिन बिल्कुल अनडेवलप्ड रूरल एरिया में कहूं, वहां पर अगर ये अपनी ब्रांच ओपन करते हैं तो इनकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है और इनको वहां पर लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाते और इनकी ब्रांचेस बंद हो जाते हैं, तो उस एरिया में बैंकिंग सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाती हैं। इन बैंकों के साथ
ये कहानी थी। अब आप भाई एसबीआई को ज्वाइन कर लो, ठीक है, एसबीआई में आप पीओ लग गए, क्या आप 10,000 रुपए सैलरी में आप काम कर लोगे वहां पर, 15,000 रुपए सैलरी में कर लोगे? नहीं, आप मांगोगे 40+, ठीक है, मांगोगे ना, तो वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप रूरल एरिया में भेजेंगे। तो वहां पर ये बैंक सक्सेसफुल नहीं रहे थे अनडेवलप्ड रूरल एरिया के अंदर, और वहां पर एक डिफरेंट तरीके के बैंकों की जरूरत थी जो वहां के लोगों को बैंकिंग सेवाएं पहुंचा सके एक डिफरेंट तरीके से। तो इसलिए हमें डिफरेंशियल बैंकों की जरूरत हुई। हम डिफरेंशियल बैंक क्यों बनाए? क्योंकि देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ना था। और क्यों जोड़ना था, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन पर आता हूं, जो आपको कहीं पर भी इंटरव्यू में, किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में या कहीं पर भी आपको यूज करनी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द लो इनकम ग्रुप, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन अनबैंक्ड रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसका एक एक वर्ड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, सबसे पहले तो इसको समझिए। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है भाई, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पैसों की जरूरत पड़ने पर उनको विड्रॉ करना, लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, होम लोन प्रोवाइड कराना, गोल्ड लोन प्रोवाइड कराना, लॉकर फैसिलिटी, ये सारी की सारी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करानी, डिलीवर करनी है, और किस रेट पर करनी है, अफोर्डेबल कॉस्ट पर, सस्ते दाम पर प्रोवाइड करानी है, हैवी रेट पर नहीं प्रोवाइड करानी, ठीक है। किन को प्रोवाइड करानी है, लो इनकम ग्रुप, गरीब लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों को, प्लस और साथ में और किनको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं भाई, फार्मर तो फार्मर होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल का मतलब क्या होता है? अब मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड होती है, अप टू 1 हेक्टेयर। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल फार्मर कहते हैं। अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होगी तो उसको मीडियम या लार्ज स्केल फार्मर कह सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं, जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, और स्मॉल फार्मर जिसके पास अप टू 2 हेक्टेयर होते हैं, प्लस स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स क्या होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME सेक्टर को स्मॉल बिजनेस यूनिट्स कहा है। अब लो इनकम ग्रुप को प्रोवाइड कराना है, ठीक है, फार्मर्स को प्रोवाइड कराना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड कराना है, लेकिन इंडिया के किस एरिया में, कहां पर, जहां पर बैंक नहीं है, इन अनबैंक्ड रूरल और सेमी रूरल एरियाज में, ठीक है, जहां पर दूसरे बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने में समर्थ नहीं है, प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वहां पर इन लोगों को सस्ते दाम पर ये सारी बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराना है, जैसे डिपॉजिट एसेट करना, लोन देना, इंश्योरेंस सर्विसेज, लोकल फैसिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देना, ये सब कुछ मिलाकर फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। तो आपने समझा कि नीड क्यों है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग समझा, सभी लोगों को जोड़ना, और एक बुकिश लैंग्वेज या एक आप डेफिनेशन के तौर पर कहते हैं, कह सकते हैं कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन भी सीख ली है। एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन सही शब्दों में क्या है भाई, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लिखी हुई है, ठीक है, ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है, मीनिंग के आधार पर मैंने ये खुद लिखी हुई है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू लो इनकम ग्रुप, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन अनबैंक्ड रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स, ठीक है। अब एक रीजन तो ये हो गया भाई, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था, इसके लिए हमने डिफरेंट तरीके के, एक नए तरीके के बैंकों की जरूरत थी, इसलिए हमने सबसे पहले RRB बनाए 74-75 में, फिर 96 के अंदर हमने लोकल एरिया बैंक बनाए। लोकल एरिया बैंक कब बनाए गए थे,
1996 के अंदर 2015 में हमने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए। और क्या रीजंस थे? अब सेकंड रीजन पर आते हैं, टू क्रिएट द हैबिट टू सेव मनी इन बैंक अकाउंट्स। दूसरे हमें क्यों इन बैंकों की जरूरत थी? टू क्रिएट द हैबिट टू सेव मनी इन बैंक अकाउंट्स इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। टू क्रिएट द हैबिट टू सेव मनी इन बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में पैसे सेव करने की आदत बनाना, लोगों के अंदर डेवलप करना। ये क्यों करना है? बैंकों में ही पैसे डिपॉजिट क्यों करें? देखिए भी, पहले लोग क्या करते थे, इवन अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कहीं से भी कोई इनकम हुई, कहीं से भी कोई इनकम जनरेट हुई, उस पैसे को घर में किसी गुल्लक में, किसी लोकर में या में रख लेते हैं, या नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर दबा कर रख लेते हैं। जो पैसा घर पर रख लिया या गड्ढे में दबा कर रख लिया, वो पैसा किसी के काम का नहीं होता। इवन वो पैसा उस पर्सन के काम का भी नहीं है जिसने वो रख लिया है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि उसको जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो उस पैसे को निकालेगा, वरना इस पैसे को नहीं निकालेगा। अगर वो इस तरीके से सेव करता जा रहा है, उसको मान लो बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है, वहीं पड़े रहते हैं, तो वो फर्दर इनकम जनरेट नहीं कर पाता, वो पैसा फर्दर इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। किस तरीके से नहीं जनरेट कर पाता वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो पैसा घर पर पड़ा का पड़ा रह जाता है, और घर पर पड़ा पैसा किसी काम का नहीं होता। ठीक है, हो सकता है वो घर पर पड़ा पड़ा किसी चोर के हाथ लग जाए, कोई चोरी कर ले तो उसका भी लॉस हुआ। तो इस पैसे को गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर क्या चाहते हैं कि ये पैसा बैंकों के अंदर आ जाए, बैंकों के अंदर आ जाए। इसलिए हमने डिफरेंशियल बैंक या पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए। अब बैंकों के अंदर आने से क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब वो पैसा बैंकों के अंदर आएगा, देखिए भाई एक सेकंड के लिए, अगर एक पर्सन है वो हर महीने 100 रुपए जमा कर लेता है, ठीक है, या मान लो 1000 रुपए जमा कर लेता, चाहे 1 रुपया मान लो, कितना ही मान लो, एक पर्सन हर महीने 1000 रुपए जमा करा लेता है, लेकिन वो घर पर रखता है, लेकिन उसी पैसे को अगर एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए उसका, और हर महीने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाए, तो इस तरीके से देखिए हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से कितने लोग अर्निंग करते होंगे, इस तरीके से रखते होंगे, और वो सारा का सारा पैसा बल्क में जब बैंकों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और जब वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा एक साथ इकट्ठा होकर, तो उस पैसे को फर्दर लैंड किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन को। जब उस दूसरे पर्सन को पैसा दिया जाएगा तो उसको किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर कुछ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो डोमेस्टिक नीड पूरी होगी, प्लस अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ तो उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, प्लस साथ ही उसको उस पैसे पर जो जिसने पैसे डिपॉजिट किए थे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ उसको क्या मिलेगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी कि उसका पैसा सेफ है, प्लस जो प्रोड्यूसर है जिसने यही पैसा घुमा फिरा के लोन के रूप में लिया है, वो 8-10 लोगों को रोजगार भी देगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो देखिए एक ही चीज से कितने सारे फायदे हो गए। जब आप उस पैसे को घर में नहीं रखते हैं, उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो बैंक फिर उस बल्क में इकट्ठे हुए पैसे को फर्दर लैंड करता है, तो उसी से नया प्रोडक्शन हो गया, नया इन्वेस्टमेंट तैयार हो गया, प्लस उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, प्लस उससे डोमेस्टिक नीड पूरी हो गई प्रोडक्ट्स की, कुछ भी प्रोडक्शन करता है, प्लस उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ता है अगर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। तो एक ही चीज से देखिए कितनी सारी चीजें सुधर गई और इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलता है। तो दूसरा रीजन ये था डिफरेंशियल बैंक को बनाने के लिए, ठीक है, दूसरी आवश्यकता ये थी। तीसरे पॉइंट पर आइए, भी चार पॉइंट डिस्कस करेंगे फटाफट। टू प्रिवेंट द लीक्स इन पब्लिक सब्सिडीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करती है और बहुत तरह की सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराती है लोगों को, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें काफी लीकेज हो जाती थी। लीकेज किस तरीके से, गवर्नमेंट अपनी जेब से अगर 100 रुपए देती है पब्लिक को सब्सिडी के रूप में कह लो या वेलफेयर के रूप में कह लो, तो वो लोगों की जेब तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए भी नहीं बचते थे, या बहुत कम पहुंचते थे, या कई बार पहुंचते ही नहीं थे, ठीक है। तो उस लीकेज को रोकने के लिए
हमें एक नए तरह के बैंकों की जरूरत थी जो उन लोगों तक पहुंचे जिनके बैंक अकाउंट नहीं है और उन लोगों के अकाउंट ओपन करे। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन मिलती है जो 60 प्लस एज ग्रुप के लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन पहले इन हैंड मिलती थी, कैश में मिलती थी। किस फॉर्म में मिलती थी? कैसे मिलती थी? लेकिन आज के टाइम पे वो किसे मिलती है? बैंक अकाउंट मिलती है। जब वो कैश में मिलती थी तो जो पर्सन, जिन पर्सन की ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है, कई बारी उन लोगों तक नहीं पहुंचती थी, कह देते थे आपकी बारी, इस महीने आपकी पेंशन नहीं आई है, नेक्स्ट मंथ आएगी, पता नहीं क्या क्या। उनको जो मीडिएटर्स थे, जो बिचौलिया थे, जो बीच में पैसे खा जाते थे, जो बीच में लीकेज करते थे, वो कुछ ना कुछ कहकर उनको बहला फुसलाकर उनके पैसे खा जाते थे, ठीक है, या उनकी पेंशन कट गई है। इवन और क्या होता था कि जो पर्सन एक्सपायर हो चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, उन वो कागजों में जिंदा रहते थे और उनकी ओल्ड एज पेंशन आती रहती थी, उनके परिवार तक नहीं जाती थी। वैसे तो मरने के बाद पेंशन मिलती नहीं है, लेकिन वो जो मीडिएटर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो जिनको गवर्नमेंट ने ये ड्यूटीज दी हुई थी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सालों तक उन लोगों को जिंदा रखते थे कागजों में और उनकी पेंशन खुद खाते रहते थे। तो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होता था। तो उस लीकेज को रोकने के लिए क्या किया गया कि अब जो ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी वो उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी, तो उस पर्सन को ही सीधा बेनिफिट मिलेगा। इसको डीबीटी बोल सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डीबीटी की फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ठीक है। अब सीधा उन लोगों के हाथों में जाएगी तो उनको मिलेगा, वो उस पैसे का चाहे कुछ भी करें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, ये लीकेज होती थी। दूसरा मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको कि जो आप एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लैक में बिकता था कि किसी के भी सिलेंडर को कोई भी यूज कर लेता था, और जिनकी ऑलरेडी बुक जो कॉपी वगैरह बनी हुई है जो सिलेंडर लेने के लिए, उनको मिल ही नहीं पाता था, शॉर्टेज हो जाती थी, ठीक है। तो वो ब्लैक में बिकता था, वो ब्लैक में बहुत कम हुआ है बिकने के, भाई लोग तो तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो जो सब्सिडी था, जो सब्सिडी थी किसी के नाम पर जो सिलेंडर बिकते थे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो खाते थे सब्सिडी। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट किसी भी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दे रही है तो सीधा आपके अकाउंट में ही आएगी। अगर मान लीजिए आपकी जो बुक बनी होती है उस पर कोई आपके अकाउंट पर कोई और सिलेंडर बुक करके कोई बेचता है बाहर मार्केट में, तो उसके नाम की जो सब्सिडी थी वो आपके अकाउंट में आएगी। अब आप किसी को दो या ना दो, वो आपकी है, तो इसलिए जो लीकेज है वो रुक जाती है। जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। अभी साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किस्तों में, 2,000 की किस्तों में दिए जाते हैं। वो अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता तो क्या सभी तक, सभी के हाथों में वो पहुंच पाते? नहीं पॉसिबल था भाई, कुछ लोगों तक पहुंचते, कुछ के खाए जाते बीच में। तो इस लीकेज को रोकने के लिए जरूरी है सभी के पास बैंक अकाउंट होना, और बैंक अकाउंट तभी होंगे जब देश के हर एक क्षेत्र में बैंक होंगे, और बड़े बैंक वहां पर जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते थे। अगर ओपन करते तो वो लॉस में चले जाते, वो बंद हो जाते। तो इसलिए हमें एक डिफरेंट तरीके के बैंकों की जरूरत थी जो इस एरियाज के अंदर जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और इस एरियाज के अंदर सर्विस प्रोवाइड कराएं ताकि ये सारे काम पॉसिबल हो सके। क्लियर। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट, फिर नीड का पॉइंट है जो हमारा खत्म हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि डिफरेंशियल बैंकों की हमें क्यों जरूरत थी, टू प्रोवाइड फॉर्मल क्रेडिट चैनल, टू प्रोवाइड फॉर्मल क्रेडिट चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि फॉर्मल क्रेडिट चैनल क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए फॉर्मल क्रेडिट चैनल क्या होता है। आप चैनल का मतलब तो क्या है? माध्यम है। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन हो सकता है, मुद्रा हो सकती है। और फॉर्मल का मतलब क्या है? ऐसा माध्यम जिसके लिए रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो एक ऑथेंटिक है, जो एक ऑथेंटिक, उसको फॉर्मल क्रेडिट चैनल कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूं कि एक गांव में एक किसान है, ठीक है, ये एक फार्मर है, एक गांव में एक फार्मर है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको 10,000 रुपयों की जरूरत है। अब वो 10,000 रुपये लेने के लिए कहां जाए?
आप कहोगे सर बैंक जा सकता है, अब उसके एरिया में तो बैंक है ही नहीं, तो कहां पर जाएगा? किसी साहूकार या महाजन या लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, ठीक है, किसी साहूकार महाजन के पास जाएगा, साहूकार या किसी महाजन के पास जाएगा, अब उससे पैसे लेके आएगा, तो वो क्या फ्री में दे देगा? नहीं, वो ब्याज पर देगा, वो इंटरेस्ट पर देगा। अब वो इंटरेस्ट कितना होगा? क्या आरबीआई के द्वारा फिक्स होगा, क्या किसी बैंक के द्वारा फिक्स होगा? नहीं, वो अपने मन मर्जी का इंटरेस्ट लगाएगा, जितना उसको अच्छा लगेगा। वो किसी की भी दबाव में कार्य नहीं करता है, कोई भी साहूकार महाजन, वो अपने अकॉर्डिंग जैसा ग्राहक फंसेगा वैसा इंटरेस्ट लगा देगा। हो सकता है वो 10% पर मंथ, पर एनम की बात नहीं कर रहा मैं, पर मंथ का लगा दे। और फार्मर, मान लो फार्मर के अंदर कोई पर्सन बीमार है, अब उसको बचाना है तो उसको पैसे उधार में, कर्ज में उठाना ही पड़ेगा, तो 10% लगा ले, 5% लगा ले, और चलो ये तो लगा ही लिया, लेकिन जब वो फार्मर कैसे ना कैसे वो पैसे इकट्ठे करके जब रिटर्न करने गया तो 10,000 प्लस उसका 10% लगा लो, 1 महीने बाद ही देने गया, 11,000 रुपये देने गया, तो उसने साहूकार ने क्या कहा कि तुम 11,000 क्यों दे रहे हो, तुम तो 1 लाख रुपए लेकर गए थे। उन्होंने कहा भाई कैसे, मैं तो 10,000 लेके गया था। तो वो कहे 1 जीरो और लगा दे, 1 जीरो और लगा दे, अगली बार फिर 1 जीरो और लगा दे। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर इतने सारे एजुकेटेड पर्सन नहीं हैं, मोस्टली जो फार्मर वगैरह है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं। जो ये साहूकार या महाजन से जो पैसे लिया, ये क्या किसी के द्वारा ऑथेंटिक था, किसी के द्वारा रेगुलेटेड था? नहीं था। इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है किसी गवर्नमेंट के पास या किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास? नहीं किया जाता है। इसका रिकॉर्ड होता ही नहीं है किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको इनफॉर्मल क्रेडिट चैनल कहेंगे, इसको इनफॉर्मल क्रेडिट चैनल कहेंगे। तो इसी के विपरीत हमें क्या करना था? फॉर्मल क्रेडिट चैनल क्रिएट करना था। फॉर्मल क्रेडिट चैनल का मतलब क्या है कि बैंकों से लोन लेना, बैंक से लोन प्रोवाइड कराना। अगर यही फार्मर किसी बैंक से लोन लेने गया होता तो लगभग 10 या 12 या 15% पर एनम के हिसाब से इसको लोन मिल जाता। इवन अगर ये किसान क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो इसको लगभग 7% या 4% पर एनम पर इसको लोन मिल जाता। उसमें इसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होता और ये आसानी से लोन को भी रीपे कर पाता और लोन को रीपे कर पाता। तो इसकी जो इसकी आर्थिक स्थिति है वो और खराब ना होती, इसको और सुधार मिलता। हो सकता है गवर्नमेंट से इसको सब्सिडी भी दी जाती अगर ये टाइम पर पेमेंट करता है। तो अगर किसी एरिया के अंदर इनफॉर्मल क्रेडिट चैनल है तो वहां के लोगों का विकास नहीं हो सकता, वो कर्जदार होते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। अगर उन लोगों का विकास करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हमें हर क्षेत्र के अंदर फॉर्मल क्रेडिट चैनल बनाना पड़ेगा, फॉर्मल क्रेडिट चैनल की पहुंच बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें आवश्यकता थी उस एरिया के अंदर फॉर्मल क्रेडिट चैनल प्रोवाइड कराने की। तो वहां पर हमें डिफरेंट तरीके के बैंकों की जरूरत थी, जो पुराने बैंक थे वो वहां काम नहीं कर सकते थे। तो हमने जाना, एक्सप्लेन किया मैंने काफी अच्छे से विद एग्जाम्पल्स कि हमें पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों की जरूरत क्यों है, या हमें डिफरेंशियल बैंकों की जरूरत क्यों है। सबसे पहला था फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? देश के हर एक नागरिक को बैंकों से जोड़ना। दूसरा पॉइंट था कि लोगों को बैंकों के अंदर पैसा सेव करना सिखाना, कि भाई लोग बैंक के अंदर पैसा जमा करेंगे तो वही पैसा बैंकों के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसको फर्दर लेंड किया जा सकता है, जिससे इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड पूरी होती है, प्लस हमें पब्लिक सब्सिडीज वगैरह में और वेलफेयर प्रोग्राम्स में लीकेज को रोकना था, ताकि सही हाथों में सही पैसा जाए। और लास्ट पॉइंट था हमारा टू प्रोवाइड फॉर्मल क्रेडिट चैनल, और लोगों तक फॉर्मल क्रेडिट चैनल यानी कि बैंकों के द्वारा लोन वगैरह दिए जाए, किसी साहूकार महाजन के चंगुल में ना फंसे फंसे फार्मर्स। इन चीजों के लिए हमने डिफरेंशियल बैंकों की स्थापना की थी। सबसे पहले आरआरबी बनाए गए, फिर लोकल एरिया बैंक बनाए गए, और 2015 में क्या बनाए गए? 2015 में बनाए गए पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत कैसे हुई। 2015 में
पेमेंट बैंक बनाए गए थे। तो आप मुझे ये बताइए 2015 के आसपास आरबीआई के कौन गवर्नर थे, 2015 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चलो अभी बता दीजिए, 2020 में बैठे हो, 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अब है शक्तिकांत दास, जो किस नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर है। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल कब बने थे? 2016 में बने थे। तो 2016 से पहले 2016 से पहले 23वें नंबर के गवर्नर थे, जिसका नाम क्या था? रघु राम राजन, और कह सकते हैं दादाजी, यानी कि अब से पिछली तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं। तो रघुराम राजन 23वें नंबर के गवर्नर थे, और ये कब से कब तक थे? 2013 से 2016 तक थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि 23 में जो गवर्नर है आरबीआई के, इनके कार्यकाल में जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी नींव पड़ी थी। तो देखते हैं यहां पर, जो रघुराम राजन है आरबीआई के 23वें गवर्नर है, ये कब बनाए गए थे? ये 4 सितंबर 2013 को, 4th सितंबर ऑफ 2013 को ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। और जैसे ही ये आरबीआई के गवर्नर बने, लगभग 19-20 दिन के बाद ही इन्होंने एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग की, और उसमें मीटिंग में एक कमेटी बनाई, और उसके अंदर इन्होंने पूछा कि हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं, हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि 23 नंबर के जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, जिनका नाम था रघुराम राजन, ये 4 सितंबर 2013 को, देखिए यहां पर मैं बहुत सारी डेट डिस्कस करूंगा, कोई भी डेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हाँ ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। तो जो 23 नंबर के गवर्नर थे, ये 4 सितंबर को आरबीआई के गवर्नर बने, 4 सितंबर 2013 को, और लगभग 20-22 दिन बाद, लगभग 19 दिन के बाद कह सकता हूं मैं, ठीक है, 19 दिन के बाद इन्होंने एक मीटिंग की और पूछा कि फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं। फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारी सालों से प्रक्रिया चल रही थी, हम कह सकते हैं कि भाई आरआरबी बनने से ही पहले की, 1975 से ही पहले की जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी, लोगों को बैंकों से जोड़ना, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, वो अभी तक पहुंची नहीं है, सभी को बैंकों से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो अगर नहीं कर पाए हैं, जिन लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पर एक मीटिंग होती है। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में मैं क्या कह सकता हूं कि फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक मीटिंग होती है। कब होती है वो? 23 सितंबर को, 4 सितंबर को ये बने थे, और 23 सितंबर 2013 को आरबीआई के जो गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम क्या था? कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड। और उसके हेड किसे बनाया जाता है? उसके हेड बनाया जाता है नचिकेत मोर को। आप मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है नचिकेत मोर, आरबीआई के मेरे ख्याल से डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं पहले, काफी टाइम पहले, ठीक है। तो नचिकेत मोर की अध्यक्षता में आरबीआई के गवर्नर ने एक कमेटी बनाई 23 सितंबर 2013 को, जिस कमेटी का नाम रखा कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? लो इनकम ग्रुप और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए, यानी कि एमएसएमई सेक्टर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज हम कैसे पहुंचा सकते हैं जिन तक अभी तक नहीं पहुंची है। कब बनाई गई? 2013 के लगभग एंड में, सितंबर के आसपास, ठीक है। तो 2013 खत्म ही होने वाला था, 2-3 महीने बचे हुए थे। उसके बाद जब ये मीटिंग बनाई गई, और इसका उस कमेटी के हेड कौन थे? नचिकेत मोर थे। कौन थे? नचिकेत मोर। नचिकेत मोर को रघुराम राजन जी ने कहा कि हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं। तो नचिकेत मोर जी ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इस पर एक रिपोर्ट आपको सबमिट करता हूं। तो फाइनली 7 जनवरी 2014 को नचिकेत मोर ने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि रघुराम राजन जी, हमें 2 नए तरह के और बैंक बनाने चाहिए, जिस तरीके से हमने पहले आरआरबी बैंक बनाए हैं, लोकल एरिया बैंक बनाए हैं, उसी तरीके से हमें एक नए तरह के 2 बैंक और बनाने चाहिए, जिनका नाम होगा
पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। रघुराम राज जी ने पूछा कि भाई ये पेमेंट बैंक नाम ही पहली बार सुना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे बैंक रहे तो हमें एक नए तरह के बैंकों की बनाने की जरूरत क्या थी। तो नचिकेत मौर्य जी समझाते हुए कहते हैं कि देखिए सर सुनिए, जो पेमेंट बैंक है, मैंने काफी रिसर्च की, स्टडी की है कि हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरी समझ में आया कि हमें पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने चाहिए। भाई बनाने तो चाहिए, लेकिन ये पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट आप लाए कहां से है, कहां से सोचकर लाए, किस चिड़िया का नाम है। तो नचिकेत मौर्य जी ने समझाते हुए कहा कि सर ये जो पेमेंट बैंक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं केन्या से। केन्या के अंदर वोडाफोन एम-पेसा, दो अलग अलग कंपनियां एक साथ मिलकर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं वहां पर केन्या के अंदर। मैंने कहा कि पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्या से लेकर आए, केन्या के अंदर वोडाफोन और एम-पेसा दो अलग अलग कंपनी मिलकर क्या कर रहे हैं, जो आज के टाइम में पेटीएम इंडिया के अंदर कर रहा है, 2020 में आप बैठे हैं, जो जितनी भी सर्विसेज आज इंडिया के अंदर पेटीएम प्रोवाइड कर रहा है, वही इसी तरीके की सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रिचार्ज करना, ठीक है, वॉलेट ट्रांसफर, ये जो सर्विसेज हैं ये ऑलरेडी केन्या के अंदर वोडाफोन और एम-पेसा प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर भी ऐसे ही कुछ बैंक आ जाए जिनको हम पेमेंट बैंक का नाम दे दें, वो पेमेंट करने का काम करे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लैंडलाइन का बिल पे करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश टीवी रिचार्ज करनी है, टिकट बुक करनी है, इस तरह की पेमेंट करने का काम करें, अगर इंडिया के अंदर आ जाए तो उससे क्या होगा, जो बड़े बैंक हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा और वो बड़ी बड़ी फीसिस पर, यानी कि बड़े बड़े सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने फोकस कर पाएंगे और उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, प्लस उनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और ये जो छोटे बैंक बनेंगे पेमेंट करने के लिए, इनको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे रूरल एरियाज के अंदर, ये ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे और ये अपना खर्चा पानी निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कुछ ऐसा कर सकते हैं लेकिन सोचेंगे, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का बताइए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट आप कहां से लाए। तो नचिकेत मौर्य जी ने कहा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो मैं अमेरिका से लेकर आया हूं। अमेरिका के अंदर स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास, टेक्सास भाई अमेरिका के अंदर जगह का नाम है, ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास वहां के जो छोटे मोटे बिजनेस यूनिट्स हैं, किसी को अपना पार्लर ओपन करना है, किसी को कोई शॉप ओपन करनी है, तो उनको छोटे मोटे लोन प्रोवाइड कराते हैं और काफी अच्छे से चल रहे हैं, और वो लोन प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता है, वहां पर बिजनेसेस बढ़ते हैं और वो उनका लोन लौटा भी देते हैं, काफी अच्छे से स्मूथली चल रहे हैं। अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे बैंक बना दें जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराएंगे लोगों को, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है वो खरीदनी है और अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस चलाना है, ठीक है, किसी को जूस की शॉप ओपन करनी है, तो अगर इस तरह के हम किसी को ऑटो खरीदनी है, अगर इस तरीके के हम छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करा दें तो लोग क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आजकल जो मोदी ने जो दिया है ना नया नारा आत्मनिर्भर का, तो ऐसे लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे अगर हम उनका लोगों का खुद का बिजनेस करवाना स्टार्ट कर दे, उसके लिए लोगों को पैसों की जरूरत होगी। इंडिया के अंदर टैलेंट तो है, उन्होंने क्या कहा, इंडिया के अंदर टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है करने के लिए, तो अगर हम पैसा प्रोवाइड करा दे सही टैलेंट को तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों का विकास होगा, तो उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया जाए, ये कहा कि उन्होंने हमारे नचिकेत मौर्य ने, किनको कहा, रघुराम राजन को। अब रघुराम राजन जी को सारी कहानी समझ में आ गई, भाई हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, तो रघुराम राजन जी नचिकेत मौर्य से सहमत होते हैं और कहते हैं भाई डन, ठीक है, अब इस काम को करने के लिए एप्लीकेशंस मंगवाइए, जो भी इस तरह के बैंक ओपन करना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन मंगवाइए, कौन कौन इंटरेस्टेड है, और इसके लिए हम गाइडलाइंस इशू कर देते हैं कि ये बैंक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो 27 नवंबर 2014 को, 27 नवंबर 2014 को
आरबीआई ने अपने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू कर दी और कहा कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ये इन गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं बैंक ओपन करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और साथ ही में दो अलग अलग कमेटी बनाई क्योंकि दो अलग अलग तरह के बैंक बनाए जा रहे थे और रघुराम राजन जी ने निशिकत मोर से कहा कि सर ऐसा है कि दो अलग अलग तरीके के बैंक बनाए जाएंगे तो अगर आप अकेले इस काम को संभालेंगे तो आप पर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं दो अलग अलग कमेटी बना देता हूं। अगर पेमेंट बैंक से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी उनको आप इवेल्यूएट करोगे, आप जांचोगे कि किसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जाए और किसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस ना दिया जाए। और दूसरा, जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेशन आएंगी उन सभी एप्लीकेशन को इवेल्यूएट करेंगी उषा जी, उषा थोराट जी, और उन्हीं के नाम पर एक कमेटी बनाई गई उषा थोराट कमेटी जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस के लिए जांच करेंगे। तो यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं कि पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई उषा थोराट कमेटी। तो मैंने ये सारी कहानी आपको स्टोरी बनाकर सुना दी है जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा। कोई डेट ईयर याद नहीं रखना अभी तक आपको, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया है पेमेंट बैंक को बनाने के लिए नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने के लिए उषा थोराट कमेटी बनाई गई थी। तो हमने गाइडलाइंस इशू कर दी है और दो अलग अलग कमेटी बना दी है। उसके बाद 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी उनमें से इवेल्युएट करके और फाइनली 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने 11 एंटिटीज को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया और 10 एंटिटीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक का इन प्रिंसिपल लाइसेंस दिया। अब बात आती है कि ये इन प्रिंसिपल लाइसेंस क्या होता है, व्हाट इज इन प्रिंसिपल लाइसेंस। इन प्रिंसिपल लाइसेंस का मतलब क्या है, टेम्पररी लाइसेंस। और ये कितने समय के लिए दिया गया था, फॉर 18 मंथ। जो 19 अगस्त 2015 को 11 एंटिटीज को पेमेंट बैंक के अंदर और 10 एंटिटीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो लाइसेंस दिया गया वो इन प्रिंसिपल लाइसेंस था फॉर 18 मंथ या 18 मंथ। अब टेम्परेरी लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपको 18 महीने का समय दिया जाता है, इसके अंदर आप डिसाइड कर लीजिए आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो विद इन दिस टाइम पीरियड आप अपना सारा इंफ्रा वगैरह तैयार कर लीजिए, अपने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंप्लॉयज वगैरह जो भी आपको हायर करनी है वो सारा जुगाड़ पानी आप 18 महीने के अंदर कर लीजिए। और फाइनली सितंबर 2015 में इनको लाइसेंस दे दिया गया था। ठीक है, तो अब वो 11 एंटिटीज कौन सी थी और 10 एंटिटीज कौन सी थी उन सभी को हम अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब हम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को पढ़ेंगे। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपको, देखो लगभग 40 मिनट से ज्यादा का समय हो गया जिसमें मुझे 4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना था अगर मैं सिर्फ स्लाइड को पढ़ देता आपके लिए। ठीक है कि ये है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहां पर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, जो भी आप वर्ड बोलेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज क्लास में हमने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की नीड एंड कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है। नीड में हमने देखा कि पेमेंट बैंक को क्यों बनाया गया, नीड वही थी जो डिफरेंशियल बैंक को बनाने की नीड थी जिनके लिए आरआरबी बैंक बनाए गए थे, लोकल एरिया बैंक बनाए गए थे। ठीक है, नीड में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था और लोगों में सेविंग की हैबिट डालनी थी, बैंक में सेव करने के लिए घरों में सेव नहीं करना है, उससे बड़े फायदे होते हैं बैंक में सेव करने से। ठीक है, दोनों ही पार्टी को फायदे होंगे और जो पब्लिक सब्सिडीज में जो लीकेज होती थी उसको रोकना था और रूरल और सेमी रूरल एरियाज के अंदर हमें फॉर्मल क्रेडिट चैनल प्रोवाइड कराना था। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट चैनल क्या है, बैंकों के द्वारा लोन वगैरह दिया जाए किसी साहूकार महाजन के चक्कर में लोग ना फंसे। ठीक है, और आरबीआई के जो 23वें नंबर के गवर्नर थे रघुराम राजन और उनके समय पर पेमेंट बैंकों का कॉन्सेप्ट आया था और 2013 में इनकी शुरुआत होती है और 2015 में
अगस्त 2015 में इनको फाइनली लाइसेंस दे दिया जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंकों की गाइडलाइंस और उनके फीचर्स और उनके हेडक्वार्टर, उनके एमडीसीओ, टैगलाइन, कितने वर्किंग हैं, कितनों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, ये सभी चीजें अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। और उससे भी अगली क्लास में फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए वीडियो के नीचे। और जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह, नीचे क्यूरीज भी लग सकते हैं, जो भी आपको डाउट वगैरह है इस टॉपिक के अंदर, और जिस भी टॉपिक पर आप पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।